ट्रायर्स एक्सिक्यूट्स सॉल्यूशन एसबीआई, यानी इसका मतलब है कि अगर आपका एसबीआई बैंक में ऐसा एरर आ रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है। अगर कहा जाए तो इसका डायरेक्ट डायरेक्ट मीनिंग यही है कि आपका जो एसबीआई एटीएम है वो दोस्तों ब्लॉक हो गया है। तो क्यों ब्लॉक हुआ है, अगर रीज़न कहा जाए तो आपका तो एटीएम अच्छा ही है, तो ब्लॉक क्यों हो गया। तो इसका मतलब है कि आपने शायद 3 टाइम्स गलत पिन टाइप किया था, ठीक है। तो एसबीआई का भी नहीं, किसी भी एटीएम का ही रूल होता है कि अगर आप 3 टाइम्स रॉन्ग पिन डालते हो तो आपका एटीएम जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो मान लो आपने भी मान लिया कि आपका पिन 3 टाइम आपने रॉन्ग डाल दिया, तो अब क्या करना है, कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा ना। तो मेरे दोस्त, अगर आपका वैसा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है तो आपको एटीएम तो दोस्तों अनब्लॉक करने का कोई रास्ता ही नहीं है जब तक ना 24 आवर्स निकल जाए, ठीक है। 24 आवर्स निकलने के बाद ही आपका वो प्रॉब्लम फिक्स होगा। नेक्स्ट डे जाके आप एटीएम में पिन अगर सही डालोगे तो आप पैसा निकाल सकते हो, या तो अगर आपने पिन भूल गए तो आप नेक्स्ट डे जाके 24 आवर्स के बाद बैंक का नज़दीक या तो किसी भी एटीएम में जाके पहले पिन चेंज करके आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो। और अगर आपको पता है कि पिन सही है तो आप वो पिन डाल के आपका पैसा विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। बट मान लो आज आपका ऐसा एरर आया है और आज ही आपको पैसा निकालना है, तो उस टाइम में क्या करना है। तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है कि आपका जो बैंक का ब्रांच है वहाँ पर जाके, जहाँ पर लोगों का लाइन लगता है वहाँ पर जाके पैसा विड्रॉल कर सकते हो। और तीसरा और एक ऑप्शन है, अगर आपका मोबाइल नंबर भी रजिस्टर है बैंक के थ्रू तो आप योनो एसबीआई में आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो लॉगिन करके, ठीक है। और आज दोस्तों अगर बेसिकली कहा जाए तो अभी के टाइम पर लोगों के पास दोस्तों पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, उनमें भी लॉगिन होता है, तो आप उसके थ्रू भी पैसा किसी दूसरे को दे के ले सकते हो कैश में, ठीक है।